एवरीवन। तो आज अपन इस चैप्टर में, ये चैप्टर थोड़े अपना लीगल एप्टीट्यूड का एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन, मतलब ये अपना चैप्टर है आईसीएसआई के बारे में। सीएस क्या होता है, सीएस की ड्यूटीज़ क्या होती है, सीएस की वैल्यू क्या होती है, सीएस के फंक्शंस क्या होते हैं, आईसीएस कौन सीएस की एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, आईसीएसआई कौन है, आईसीएसआई कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सारी बातें अपना एक तरीके से न्यूली एडेड चैप्टर है ये इस कोर्स के अंदर, और ये सारी बातें अपन को जो नेसेसरी है सीएस के लिए वो बताता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है चैप्टर, और इसमें अपन को ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, ठीक है। इसमें अपन को क्या पता लगेगा, वॉट इज सीएस, वॉट इज आईसीएसआई, फंक्शंस क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है प्रोफेशन का, और कोर वैल्यूज़ क्या आते हैं। तो अपन ये सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन वी विल गेट आंसर अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले सीएस का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई। आईसीएसआई सीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसका कोई कॉलेज नहीं होता, इसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, एक प्रोफेशनल बॉडी है जो आईसीएसआई है ना, ये क्या चीज़ है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि इंडिया में इस प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका ना तो कोई कॉलेज है, ना तो कोई इसका स्कूल है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो इस फील्ड को इंडिया में डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1980 से। एक मिनट रुको, हाँ तो अपन बोल रहे थे ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1980 में पार्लियामेंट का एक एक्ट पास हुआ था। इसको अपन को देखो अभी तक क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आईसीएसआई कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक प्रोफेशनल बॉडी है जो इस इंडिया के अंदर इस चीज़ को रेगुलेट करती है, सीएस प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, ये सेक्रेटरीज, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस एक्ट ऑफ 1980 से पार्लियामेंट ने इसको इस्टेब्लिश करा था। किससे, सीएस एक्ट ऑफ 1980 से पार्लियामेंट ने इस बॉडी को इस्टेब्लिश करा था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है। देखो प्रोफेशनल बॉडी है ये, जो बॉडी है कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, 1980 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में काम करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है, इस बॉडी का हेडक्वार्टर, हर चीज़ का हेडक्वार्टर होता है, भाई अपन करंट अफेयर में पढ़ेंगे। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, 4 इसकी रीजनल ब्रांचेज और 70 इसके चैप्टर्स है, ठीक है। ध्यान रखना 4 रीजनल ब्रांचेज है, मतलब पूरे इंडिया में इसकी 4 रीजन्स में डिवाइड करके 4 रीजनल ब्रांचेज है, और 70 अपने चैप्टर्स है। प्रोफेशनल बॉडी है, 1980 में स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर अपना न्यू दिल्ली के अंदर है, 4 रीजनल ऑफिसेज है, और 70 चैप्टर्स है, ठीक है। चैप्टर्स बोले तो रीजनल के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चैप्टर्स बोलते हैं। तो ये अपना आईसीएसआई के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया कि आईसीएसआई क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन बात करते हैं आईसीएसआई की विजन की, विजन की, मिशन की और मोटो की, तीन चीज़ों की बात करते हैं, विजन की, मिशन की, मोटो की। देखो इन तीनों में फर्क क्या है, विजन क्या होता है, विजन होता है हमारा अल्टीमेट गोल। जैसे अपना विजन क्या हो गया कि अपन सीएस बनना चाहते हैं, और अभी मिशन क्या है अपना, सीएस एग्जीक्यूटिव, मतलब अपना विजन है जो अपन 5 साल बाद 4 साल बाद होएगी, और अपना अभी मिशन क्या है कि करंट सीएसईटी को पास करना, सीएस एग्जीक्यूटिव को पास करना, प्रोफेशनल को पास करना, उनमें ग्रुप क्लियर करना। तो विजन विजन होता है लॉन्ग टर्म, और विजन को अपन मिशन की मदद से काम करते हैं। तो देखो मिशन लीड्स टू विजन, मिशन लीड्स टू मिशन, विजन, मिशन इज वे टू रीच विजन, विजन इज लॉन्ग टर्म ड्रीम आफ्टर 5, 10, 15, 20 ईयर्स, ठीक है। मैं 20 साल बाद है ना गाड़ी खरीदूंगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी मेरे पास, ये सारा मेरा विजन है, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये मेरा मिशन है अभी पढ़ाई करना, ठीक है। तो इसका विजन देखो, विजन मिशन मोटो तीनों लाइन पे याद होने चाहिए, तीनों एमसीक्यूज में आ सकता है, इस चैप्टर में से कम 5 क्वेश्चन मानो, क्योंकि ये आईसीएसआई का खुद का चैप्टर है, तो इसमें से क्वेश्चन देना उनका प्राइमरी ड्यूटी है, पक्का क्वेश्चन देंगे। तो विजन क्या है, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, मतलब ग्लोबल लीडर बनना है इसको, किसमें, कॉरपोरेट गवर्नेंस बोले तो कंपनी के अंदर गवर्नेंस कैसे होती है, किसकी प्राइमरी, किसकी क्या ड्यूटी होती है, तो ग्लोबल लीडर बनना है। मिशन क्या है इसका, अच्छे
अच्छे प्रोफेशनल्स टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, मतलब बहुत अच्छे सीए को निकालना, बहुत अच्छे सीएस को निकालना, सॉरी, बहुत अच्छे सीएस को कल्टीवेट करना, बहुत अच्छे सीएस लोगों को पास करना, मतलब टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटिंग गुड गवर्नेंस, इसका तो है ग्लोबल लीडर बनना। देखो, और मोटो क्या है, स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय लॉ, स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय लॉ, तीनों चीजें लाइन पे याद रखना। मोटो है स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय लॉ, मिशन क्या है अपना, अच्छे सीएस लोगों को पास करना, उससे क्या होगा, उससे अपन ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। तो ये तीनों चीजें अपन को याद हो गई, ये तीनों चीजें अपन को याद हो गई, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपने मॉड्यूल में दे रखा है कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, कोर वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि एक सीएस जो होता है उसको अपने अंदर क्या कोर वैल्यूज रखनी चाहिए, जो कि उसको अपने प्रोफेशन में यूज करनी है, मतलब उसके क्या धर्म होना चाहिए, क्या उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं अपन। बिलीव्स फॉलोड बाय इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी इन देयर प्रोफेशनल और पर्सनल बिहेवियर, मतलब कोर वैल्यूज, मतलब उसका धर्म क्या होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। अब ये पांच अपन को दे रखे हैं, अपन को इनके डिटेल में नहीं जाना, अपन को इंग्लिश इसमें नहीं पढ़नी, इंग्लिश अपन इंग्लिश के सेक्शन में पढ़ लेंगे। इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बींग स्टेक होल्डर सेंटर, बींग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, इनका मतलब अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात इसमें क्या ध्यान रखना है, कोर वैल्यूज अपनी पांच है, इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बींग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का अपन को ये भी ध्यान रखना है, लैटिन वर्ड से डिराइव होता है और इसका मतलब होता है इंटीजर। इंटीग्रिटी मतलब इंटीजर, मतलब कंप्लीटनेस, होलनेस, कंप्लीट। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 1, 2, 3, 4, जो 1.5 इंटीजर नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर होता है। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स होल एंड कंप्लीट। इसका मतलब क्या होता है, होल एंड कंप्लीट, अ सेंस ऑफ होलनेस, मतलब मेंबर शेल बी गाइडेड बाय कोर प्रिंसिपल दैट विल एम्पावर देम टू रिमेन कंसिस्टेंट विद हाई स्टैंडर्ड्स लाइक ऑनेस्टी, जेनरस एंड लॉयल्टी। इसका मतलब होलनेस और स्ट्रेंथ का क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब हमेशा हमें ढंग से काम लेना है, कितनी भी ज्यादा टफ सिचुएशन हो हमें अपने बिलीव्स को सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करना, हमें अपने बिलीव्स पर, अपने कोर वैल्यूज पर कंसिस्टेंट रहना है हर सिचुएशन पे। इंटीग्रिटी का मतलब कंप्लीट होलनेस, मतलब हमें आगे पीछे नहीं जाना अपने बिलीव से, इंटीग्रिटी में अपने बिलीव्स के साथ अपन को अपने आप को बाइंड करके रखना है, ठीक है। ग्रीक वर्ड, सारे वर्ड तो लैटिन से डराइव होते हैं, ये एथिक्स वाला है ना, ग्रीक वर्ड एथोस से डराइव हुआ है, ये वाला एथोस से डराइव हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टर और कस्टम, कैरेक्टर और कस्टम, इट मीन्स पोजेसिंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करी थी, एथिक्स का मतलब क्या होता है, वही होता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक बिजनेस के अंदर अपन को सीएस होते हुए पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे फंक्शंस क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी नॉलेज भी हम लोगों को होनी चाहिए। अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना, हमको सिर्फ ये देखना है इंटीग्रिटी का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब है स्ट्रेंथ और होलनेस, एथिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड एथोस, और रिलायबिलिटी कहाँ से डिराइव हुए हैं, रिलायबिलिटी का मतलब वो अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट, मतलब रिलायबिलिटी मतलब कोई आपको पे रिलाय कर सके, आप ऐसी सर्विस देना सीएस बनने के बाद कि कोई आप पे रिलाय कर सके, उसको क्रॉस चेक ना करना पड़े, आप रिलायबल पर्सन होने चाहिए, आपकी सर्विस और कमिटमेंट का कोई जवाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरमेंट, वही चीजें ऊपर वाली। ओनरशिप का मतलब कि आप अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हो, आप ओनर हो, जो आप एक्शंस करोगे ना कंपनी में उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपने ऐसे एक्शंस क्यों करे, ठीक है। तो ये बात हो गई। बींग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप सीएस हो तो आपको कंपनी के लिए तो काम करना है, पर कंपनी के साथ जो मेंबर जुड़े, जो
शेयर होल्डर जुड़े उनके साथ भी आपको अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने हैं। ये थियोरिटिकल चैप्टर से भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें अपन को 5 पॉइंट याद करने, अपना एक 2 से लेके 3 पेज हो गए, ठीक है। वी नीड टू वर्क एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी कनेक्टेड विद कंपनी सो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म देयर गोल्स इन टू अचीवेबल गोल्स। वी शुड वर्क इन ट्रांसपेरेंट मैनर एंड शुड मेंटेन ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप विद देम। हमें सबके साथ साथ मिलके काम करना है। देखो अपन ने क्या करा, दोबारा अपन इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जिससे कि इस चैप्टर में तो कोई डाउट ही ना रहे। एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन टॉपिक है, इसमें अपन सीएस के बारे में समझेंगे, सीएस की ड्यूटीज और के बारे में। इसका पहला पार्ट है आईसीएसआई होता क्या है, अपन ने इसके बारे में देख लिया। इसका विजन मिशन, विजन तो है ग्लोबल लीडर प्रोड्यूस करना, मिशन क्या है अच्छे सीएस लोग प्रोड्यूस करना, और इसका मोटो क्या है स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय लॉ, ये अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं कोर वैल्यूज की। कोर वैल्यूज अपन ने देख ली, इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ठीक है, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। अब देखो मेरी बात, कंपनी सेक्रेटरी है क्या चीज, ये कहाँ डिफाइंड है, इसके अंदर अभी तक कोई याद करने वाली चीज नहीं आई है, पर अब आ रही है। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब आप जो कोर्स कर रहे हो वो कहाँ डिफाइंड है, वो 2 ऑफ 24 में, सेक्शन 2 ऑफ 24 में डिफाइंड है ये कोर्स। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ सीएस एज डिफाइंड इन 2(1)(c) ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1980। मतलब ये जो 224 की डेफिनेशन है ना, इसने क्या करा, किसी और कंपनीज एक्ट को रेफर कर दिया। देखो मेरी बात, इसने 2(1)(c) को और 1980s की कंपनी एक्ट को रेफर करके बोला, मतलब देखो कोई और कोई 224 में क्या बोला, 224 में ये बोला कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जिसकी डेफिनेशन 2(1)(c) ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1980 में दे रखी है। प्लस इसने कुछ एडिशनल बात ये बोली, हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सीएस अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। मतलब जो हमारा सेक्शन 2 ऑफ 24 है, इसने क्या बोला, इसने एक बात तो बोला कि 2(1)(c) ऑफ कंपनीज एक्ट 1980 में जो सीएस की डेफिनेशन है वो दे रखी है, और सीएस होता क्या है, जो कंपनी सेक्रेटरी अपना काम करने के लिए अपॉइंट करती है ना कंपनीज एक्ट के अंदर, उसको सीएस बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें कौन सी डेफिनेशन गिवन है, इसमें बोलते हैं सीएस मीन्स दैट अ पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ आईसीएसआई, कोई सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। इसने तो बोला इसकी डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, इसकी डेफिनेशन के लिए आप 2(1)(c) ऑफ 1980 कंपनीज एक्ट रेफर करो। प्लस हम तो ये बोल सकते हैं जो कंपनी अपॉइंट करती है उसका फंक्शन संभालने के लिए वो सीएस होता है, और फिर इसने क्या बोला, जो आईसीएसआई का मेंबर होता है ना वो सीएस होता है। तो ये अपना कंपनी सेक्रेटरी कहाँ डिफाइंड है, अपन ने ये कर लिया। अब देखो, अब ये है अपना नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं बोल सकते, वही है, अभी हम समझा देते हैं क्या है, ठीक है। की मैनेजरियल पोजीशन, के एम पी का कॉन्सेप्ट ये फर्स्ट टाइम सेक्शन 2 सब क्लॉज 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब अभी अपन ने क्या करा, अभी अपन ने 2 ऑफ 24 में सीएस क्या होता है वो समझा, फिर 2(1)(c) इसने क्या बोला, 2(1)(c) और 1980 में जो दे रखा है वो कर लो, और अब अपन की मैनेजियल पोजीशन ऑफ इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ 51 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में डिफाइंड है। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 के अंदर, इससे पहले केएमपी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये क्या बोलता है कि इन विच कंपनीज देयर इज अ नीड टू अपॉइंट केएमपी, ये बोलता है केएमपी अपॉइंट करना कहाँ, किस कंपनी में केएमपी की पोजीशन जरूरी है। पहला वन, सारी लिस्टेड कंपनीज में जरूरी है। दूसरा, सारी पब्लिक कंपनीज में जरूरी है जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपन को सिर्फ रटना है, ठीक है। की मैनेजर पोजीशन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 ऑफ 51 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। ये क्या बोलता है कि किन कंपनीज में केएमपी की अपॉइंटमेंट जरूरी है। पहला, सारी लिस्टेड कंपनीज में जरूरी है, और दूसरा पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, इसकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, इन लोगों को केएमपी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। दीज कंपनीज हैव टू कंपलसरी अपॉइंटेड केएमपी, ठीक है, दे हैव टू अपॉइंट केएमपी। ये कौन बोलता है, ये सेक्शन 3। अब देखो 2 ऑफ 51 में तो केएमपी की पोजीशन को डिफाइन करा, और फिर इसमें फिर ये बताया कि केएमपी किस किस कंपनी में जरूरी है, और इन कंपनी में जरूरी केएमपी किसने बताया अपन को, सेक्शन टू ऑफ
203 ऑफ कंपनीज एक्ट ने बताया। इसमें ज्यादा सेक्शन नहीं आएगा, घबराना मत बिल्कुल भी कि मैनेजियल पोजीशन की डिफाइन का हुई है सेक्शन 2 ऑफ 51 में। फिर अपन को पता लगा कि इन दोनों कंपनीज के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हो और जिसमें पब्लिक कंपनी का शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो, उसमें KMP नेसेसरी है। अब उसमें KMP नेसेसरी है तो ये किसने बताया, ये सेक्शन 2 ऑफ 203 ऑफ कंपनीज एक्ट ने बताया, ठीक है। अब KMP क्या होता है, KMP वो होता है CEO हुआ, मैनेजर हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, कंपनी सेक्रेटरी हुआ, होल टाइम डायरेक्टर हुआ और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ। इन सब की पोस्ट को अपन KMP बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड हो और जिसकी पब्लिक और जो पब्लिक कंपनी हो और उसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उनको किसी ना किसी पोस्ट ये वाली, मतलब एक KMP अपॉइंट करके रखना पड़ेगा। वो मैनेजर भी हो सकता है, वो CS भी हो सकता है, वो होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है और वो CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014, एवरी प्राइवेट कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ रुपीज शैल ऑल्सो अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। KMP की बात हो गई। अब कोई एक अपना कंपनी रूल है 2014 का, कंपनी रूल है जो अमेंडमेंट हो रहे हैं ओके आते रहते हैं ना, उनका नाम है कंपनीज रूल है। उसका रूल 8 है, क्या बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, ये देखो मतलब अपनी फील्ड का प्लेसमेंट तो एक तरीके से इसी रूल ने करा है कि जिसकी भी प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल मैंने बताया था, जिसने अपने शेयर्स 10 करोड़ से ज़्यादा के बेचे, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा का है, उनको एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना ज़रूरी है। देखो दोबारा समझो की मैनेजियल पोजीशन कहाँ डिफाइन हुई है, सेक्शन 2 ऑफ 51 में हुई है। उसके बाद क्या बोला गया है कि इन दोनों में से कोई भी कंपनी हो उसको KMP अपॉइंट करना नेसेसरी है। ये कहाँ बोला गया है, ये सेक्शन 203 में बोला गया है। उसके बाद हमें बताया गया है कि KMP होता कौन है, ये पोस्ट KMP की होती है। फिर हमारा रूल 8 है, अभी तक देखो 3 ही आया याद करने के। रूल 8 है क्या बोलता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा, उसको CS अपॉइंट करना कंपलसरी है, उसको CS अपॉइंट करना कंपलसरी है, ठीक है। रट लिया, आगे चलो। देखो इन चीज़ों को 2 बार रिवाइज करोगे तभी होगे, ये कोई अपन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे कि स्टोरी याद हो जाएगी। रोज सुबह उठ के रिविजन करना है तब जाके अपन को ये चीज़ याद होगी। अब फंक्शन ऑफ CS करते हैं। फंक्शन ऑफ CS क्या है, टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट ऑल द रूल्स। देखो CS का फंक्शन क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, दे रन द कंपनी, ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा, हाँ दे रन द कंपनी। तो CS का काम है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता दें, तो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। CS का काम है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताना, जो टाइम टू टाइम अपने अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन तो हो गया टू रिपोर्ट ऑल द रूल्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड हो गया टू इंश्योर दैट कंपनी कंप्लायंस विद एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। देखो टाइम टू टाइम ICSI जो CS को कंट्रोल करती है वो कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इशू करती है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं रूल्स इशू करती है, तो उसको बताना, उसको इंश्योर करना कि वो इस कंपनी में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, किसकी ड्यूटी है, ये CS की ड्यूटी है, ठीक है। और क्या ड्यूटी है, अदर ड्यूटीज परफॉर्म करना। जब अपन किसी CS को रखते हैं ना, तो अपन उससे को उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि यार तेरे को CS तो रख रहा है पर तेरे को कुछ और ड्यूटीज अपन हम तेरे को दे रहे हैं, वो तेरे को रोज करनी पड़ेगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में है वो ड्यूटीज को परफॉर्म करना। तो फंक्शंस ऑफ CS क्या है, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं और इनको अपडेट करके रखना, जिससे कि ये कंपनी चलाने में उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है अपना, सेकेंड पॉइंट है कि ICSI सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, मतलब ICSI कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स निकालता है कि कंपनी को ऐसा करना है तो ऐसा करना है, तो ये अलग अलग सिचुएशन पे कुछ ना कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स निकालता है, उनको फॉलो करना भी CS का काम है कंपनी के अंदर। और अदर ड्यूटीज परफॉर्म करना, जब अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अपन काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि हम ये भी करेंगे हम वो भी करेंगे, तो अदर ड्यूटीज को परफॉर्म करना भी ये हमारा फंक्शन है CS का। अब देखो ड्यूटीज देखते हैं, ड्यूटीज ऑफ CS क्या है,
नंबर वन ड्यूटी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना, टू प्रोवाइड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी द गाइडेंस एज एंड वेन रिक्वायर्ड। अच्छी बात है भाई, गाइडेंस देना तो उसका काम है। देखो सीएस का सबसे ज्यादा काम होता है मीटिंग को चालू करना। जो कंपनीज में अपन ने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, एजीएम होती है, जनरल मीटिंग्स होती है, मतलब जितनी भी मीटिंग्स होती है, मीटिंग को प्रिसाइड करने का काम किसका होता है? सीएस का होता है। ठीक है, टू फैसिलिटेट द कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड द बोर्ड ऑफ मीटिंग एंड जनरल मीटिंग एंड ऑल्सो टू मेंटेन द मिनट ऑफ दिस मीटिंग। मतलब सीएस का काम होता है इन मीटिंग्स को प्रिसाइड करना। सारी मीटिंग्स में सीएस का होना बहुत जरूरी है, और सीएस एक नोटबुक बनाता है कि इन मीटिंग में क्या क्या प्रपोजल पास हुए, किसने क्या क्या रिजोल्यूशन दिए, किसने उसका विरोध करा, मतलब सारा जो मिनट टू मिनट प्रोसीजर है ना वो सीएस बनाता है। ठीक है, इन मीटिंग्स का तो पहली ड्यूटी हो गई बोर्ड को एडवाइस करना, दूसरी ड्यूटी हो गई इन मिनट टू मिनट्स मीटिंग की सारी चीज़ों को अपडेट करके रखना। ठीक है, सॉरी, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है? टू ऑप्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड जनरल मीटिंग टू ऑप्टेन। देखो कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट और को कुछ ना कुछ कंपनी को अप्रूवल और चाहिए होता है, मतलब तुम ऐसा मानो टू ऑप्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, कभी कभार कुछ किसी ना किसी लॉ पे मतलब कोई भी अप्रूवल चाहिए होता ना, तो वो अप्रूवल ऑप्टेन करना सीएस का काम होता है। हम सीएस को देते हैं कि जा अप्रूवल लेकर आ। ठीक है, अब टू रिप्रेजेंट द वेरियस रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज, कभी कभार कंपनीज को जगह जगह पर रिप्रेजेंट करना होता है, वेरियस अथॉरिटीज पर रिप्रेजेंट करना होता है, तो रिप्रेजेंट करने की भी किसकी जिम्मेदारी है? सीएस की जिम्मेदारी है। टू असेस द बोर्ड, अब देखो अपन ऊपर अपन ने पढ़ा कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको एज एंड वेन रिक्वायर्ड उनको एडवाइस देना चाहिए, और अभी अपन पढ़ रहे हैं टू असिस्ट करना चाहिए बोर्ड को। ठीक है, असिस्ट एंड एडवाइस द बोर्ड इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट, दोबारा वही आ गया कि असिस्ट और एडवाइस करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सीएस की मेन ड्यूटी ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताए, उनको असिस्ट करें और उनको एडवाइस करें। ठीक है, टू डिस्चार्ज द सच ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड इन रूल्स एंड एक्ट एंड ड्यूटीज असाइन फ्रॉम बोर्ड। ड्यूटीज देखो ये दोनों वही है कि कोई अपन कोई एक्ट है कंपनीज एक्ट का, उसमें जो ड्यूटीज है वो तू फॉलो करेगा, और जो तेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइम टू टाइम ड्यूटी देगा ना वो भी तू परफॉर्म करेगा। तो इसमें कुछ मतलब यार खास समझने लायक नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि अपनी ड्यूटीज क्या है। पहली बात गाइडेंस देना बोर्ड को, पहली बात गाइडेंस देना बोर्ड को, दूसरी बात मीटिंग्स को कन्वे करना, मीटिंग्स को प्रिसाइड करना और उनके मिनट्स टू मिनट्स मेंटेन करके रखना। तीसरी ड्यूटी है अपनी टू ऑब्टेन द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। चौथी ड्यूटी है टू रिप्रेजेंट, कहीं पर अगर रिप्रेजेंट करना है किसी अथॉरिटी के सामने, किसी लीगल लीगल फ्रेटर्निटी लीगल लीगल बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट करना है, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? जिसको लॉ पता है, तो कौन करेगा? सीएस करेगा। बोर्ड को असिस्ट करना इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कंडक्ट करने के अंदर बोर्ड को असिस्ट करना किसकी ड्यूटी है? सीएस की ड्यूटी है। ठीक है, टू असिस्ट एंड एडवाइस द बोर्ड एज एंड वेन रिक्वायर्ड अपन ने ऊपर पढ़ लिया। टू डिस्चार्ज द अदर ड्यूटीज एंड मेंशन इन रूल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कोई और इसकी ड्यूटीज और मेंशन है तो वो इसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। और ड्यूटीज असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बोर्ड सीएस को टाइम टू टाइम ड्यूटीज असाइन करता रहता है कि यार ये हमारा काम कर दे, वो हमारा काम कर दे, तो वो भी सीएस को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो देखो अपन ने क्या क्या कर लिया, अपन ने आईसीएसआई समझ लिया। अपन को अभी तक इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है, ये 1980s में प्रोफेशनल बॉडी है, 1980s में बनी थी न्यू दिल्ली के अंदर, इसका है 4 रीजनल ऑफिस है, 70 इसका हेडक्वार्टर है। मिशन विजन मिशन और मोटो, इस पेज में इतनी चीज़ें अपन को तमीज से ध्यान रखनी है जिससे कि अपन इसको भूले ना। कोर वैल्यूज में अपन को कोई थ्योरी को ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इनके 4 वर्ड के मीनिंग, इन 5 वर्ड के मीनिंग को ध्यान में रखना है, अपना कोर वैल्यूज हो गया। सीएस कहाँ डिफाइंड है? देखो इसमें मैंने एक गलती कर दी थी इसलिए मैं दोबारा लेकर आया हूँ इधर। इसके अंदर क्या है कि ये कंपनीज एक्ट नहीं है, ये कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है। मतलब ये जो अपना 1980 से बना था ना, जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट से अपना आईसीएसआई की बॉडी बनी थी, उस एक्ट के रेफरेंस में ये बात करता है। देखो ये मैं दोबारा करता हूँ, अपना कंपनी सेक्रेटरी कंपनीज एक्ट बोलता है, अपना कंपनी सेक्रेटरी कहाँ डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? हमें तो इसकी डेफिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता, आप ये कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में जाओ, उसके सेक्शन 21C में इसकी डेफिनेशन लिखिए, जो मेंबर है वो इसका वो होगा। तो ये दो सेक्शन इसके अंदर ध्यान रखने, ये तो छोटा सा ध्यान रख लोगे। ठीक है, तो अपना यह हो गया। उसके बाद की मैनेजियल
पर्सनल कहाँ पर डिफाइंड है इसका सेक्शन, अगर याद रखो तो रख लेना, पर अपन को ये तो पता होना चाहिए कि की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, MD, CEO, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ CS मैंने आपको सारे बता दिए कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर चीज़ बताना होती है, जो ICSI रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम बनाती है उसको फॉलो करना होता है, और अपना डिस्चार्ज करनी होती है, अदर ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ मैंने आपको बता दी, मीटिंग को प्रिसाइड करना होता है, मिनट टू मिनट मेंटेन करके रखना होता है, काफ़ी ड्यूटीज है। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है ना वो लेंदी है, लेंदी बोले तो आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा दे रखी है, अपन को इतना डीप में नहीं जाना, अगर ट्रस्ट करते हो तो इतना डीप में अपन को नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। आगे अपन को क्या बता रहा है, पहले तो अपन इस पे बात करते हैं, CS इन प्रैक्टिस। देखो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, CS इन प्रैक्टिस बोले तो कौन कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकता है, CS इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इन कंपनी सेक्रेटरी, इसका मतलब कहाँ पर डिफाइन है, ये सेक्शन 2 ऑफ 25 कंपनीज एक्ट में बोलता है, और ये क्या बोलता है कि CS इन प्रैक्टिस मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। अब देखो इस इधर भी इसने वही बात करी जो पिछली बार करी थी, ये वाला सेक्शन बताता है CS इन प्रैक्टिस क्या होता है, और ये क्या बोलता है, देखो भाई मेरे को तो पता नहीं, पर जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 का सेक्शन 2 ऑफ 2 बोलेगा ना, हम तो उसकी बात मान लेंगे, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है, इसने भी वही बात बोली जैसे पिछले पहले हुआ था। अब देखो इस सेक्शन 2 ऑफ 20 ने क्या बोला, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, एक जना उसको अपन बोल, देखो वैसे क्या होता है कि मेंबर्स कब होते हैं डीम टू बी प्रैक्टिस, मतलब जब कब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब उसके पास ICSI की मेंबरशिप हो। मेंबरशिप कैसे आती है, सारे एग्जाम सारे आर्टिकलशिप सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद वो आपको ICSI बोर्ड की मेंबरशिप देते हैं, तो पहला तो वो होता है, फिर होता है एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन करना होता है कि हाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, किससे, ICSI आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, और तीसरी बात वो जो जिसको ये सर्टिफिकेट मिलता है ना वो किसी एम्प्लॉयमेंट या जॉब में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयड हो, कहीं पर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो और उसके साथ आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट भी ले लो, ऐसा नहीं होता। ये कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उसको ही मिलता है जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयड है, जिसकी फुल टाइम की जॉब ना हो। ठीक है, तो अपनी ये बात हो गई। अब इसमें क्या लिखा है देखो, अब तुम इतना तो कोई भी इतना याद नहीं कर सकता, अपन इसको नॉर्मली समझना है, अपन को क्या चीज कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन, एक जने को अपन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी तब बोलेंगे जब वो अकेला इंडिविजुअली या अपने दोस्तों के साथ और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, जब वो अकेला या अपने दोस्तों के साथ जो उसके CS दोस्त है या फिर जो उसके और प्रोफेशंस के दोस्त है जैसे CA, लॉ, ICMA, और इन पार्टनरशिप विद मेंबर्स ऑफ सच अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस, अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को कब बोलेंगे, जब वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, कैसे प्रैक्टिस कर रहा होगा, अकेले प्रैक्टिस कर रहा होगा या फिर अपने CS दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा या फिर अपने CA, CS, ICWL लॉ के कोई अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस के साथ वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, और उसको उसके बदले में रेमुनरेशन कंसिडरेशन, अभी अपन कॉन्ट्रैक्ट में पड़ेंगे, उसके बदले में उसको कोई सैलरी मिल रही हो, कोई पैसे मिल रहे हो, कोई प्रॉफिट मिल रहा हो या मिलने वाला हो, तो उसको अपन बोलेंगे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कौन होगा, जो अकेले अपने CS दोस्तों के साथ या फिर कोई और प्रोफेशन के दोस्तों के साथ जैसे CS, ICWA या लॉ के दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसको उसके बदले में रेमुनरेशन मतलब पैसे मिल रहे हो, प्रॉफिट हो रहा हो या फिर मिलने वाला हो, उस आदमी को अपन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोलेंगे। कहां पर गिवन है, सबसे पहली बात तो सेक्शन 2 ऑफ 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में गिवन है। वो क्या बोलता है, भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता कहां पर गिवन है, आप तो जिसने ICSI की बॉडी बनाई है ना कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, उसके सेक्शन 2 2 में जाके देखो, और 2 2 सेक्शन में अपन को ये बोला। ठीक है, अब आगे चलो।
अब वही बात आ गई, अभी अपन ने राइट ड्यूटीज पढ़ी, उसका ही घुमा फिर आके आगे पूरे चैप्टर में है कि उसको क्या क्या वर्क करने पड़ते हैं, ये स्कोप बता रहे हैं इस प्रोफेशन का। आपको लगता होगा ये तो कंपनी में ही काम करता है, पर इसका बहुत बड़ा वाइडर स्कोप है, जो अपन एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेंगे फिर अपन को पता लगेगा। ठीक है, अभी अपन को इतना डीप में नहीं जाना, अपन को कॉन्सेप्ट समझना है, अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या होता है? पहली बात, एंगेजेस हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ सीएस। इन किसी कंपनी में सीएस का काम कर रहा हो तो ये उसका काम हो सकता है। ठीक है, अगर वो किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन या फिर उसके बंद होने की प्रोसीडिंग्स को संभाल रहा है, उसमें अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसको अपन सीएस इन प्रैक्टिस बोल सकते हैं। देखो, या तो वो किसी कंपनी में सीएस के तौर पे काम कर रहा है तो वो सीएस इन प्रैक्टिस हो गया, या फिर वो किसी कंपनी के फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, वाइंडिंग अप, अमलग्रेशन, सारी रिकंस्ट्रक्शन, मतलब सारी चीज़ों के अंदर अगर वो इन्वॉल्व है तो अपन उसको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोल सकते हैं। या तो फिर वो एक कंपनी का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो, तब अपन उसको कंपनी सेक्रेटरी बोल सकते हैं। शेयर शेयर के रिगार्डिंग वो कंपनी का हैंडल करता हो चीजें, उसको अपन बोल सकते हैं। ऑडिटर हो किसी कंपनी का, सीएस ऑडिटर हो, तो उसको अपन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोल सकते हैं। कंपनी को एडवाइस कर रहा हो लीगल मैटर्स पे, वेरियस लीगल मैटर्स पे कंपनी को एडवाइस कर रहा है, तो अपन उसको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोल सकते हैं। कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी के नाम पे सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, उसको अपन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोल सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर का काम कर रहा है, इशू पावर हाउस है, और शेयर ट्रांसफर एजेंट है, मतलब बहुत सारे दे रखे हैं। अपन को इतना नहीं पढ़ना, अपन को मेन मेन चीज़ों का ध्यान था वो अपन ने राइट्स और ड्यूटीज में कर लिया, कि वो मिनट टू मिनट मीटिंग प्रिसाइड करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करता है, उन चीज़ों को ही घुमा फिरा के दे रखा है। अपन को इतना डीप में नहीं जाना, अपन को ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था, अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअली अपने दोस्तों के साथ, अपने अदर प्रोफेशन के दोस्तों के साथ, और उसको क्या मिल रहा हो, पैसे मिल रहे हो। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो सीएस होता है ना, ये वेरियस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये सारी जगह पर सीएस अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पीसीएस कैन रिप्रेजेंट, पीसीएस बोले तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कैन रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट और कंपनी इन फ्रंट ऑफ दीज बॉडीज। अपन को इतना कुछ ध्यान नहीं रखना, अपन को ये ध्यान रखना है कंपनी सेक्रेटरी इन सारी बॉडीज के सामने अपने क्लाइंट, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। मान लो सेबी ने उस कंपनी को बोला, कोई नोटिस इशू करा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा लीगल प्रोसीजर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, तो सीएस उस पर जाके रिस्पॉन्स करेगा, जैसे लॉयर एक कोर्ट में करता है, वैसे सीएस इन मैटर्स में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। लॉयर फाइट्स इस केस, पीसीएस ऑल्सो फाइल्स द केस एंड रिप्रेजेंट द कंपनी इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज बॉडीज। बहुत सारी बॉडीज है, अपन को इतना नहीं जाना, ठीक है, अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को देख के घबराना मत, और अगर मॉड्यूल खोल के देखोगे तो इतनी चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है याद करना, तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, टू एक्ट एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड इशू वेरियस सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ बिग कंपनीज। वो इन के अंडर की कंपनीज की ऑडिट ले सकता है, उसकी रिपोर्ट कर सकता है, और इनको रिप्रेजेंट कर सकता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स में। तो ये सी एस इन प्रैक्टिस वाला टॉपिक हो गया। अब इसके बाद तो इतना, मतलब है ना, इतना इतना ज़्यादा कचरा दे रखा है एक तरीके से मॉड्यूल में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, तो पूरा सीएस प्रोफेशन की एक एक चीज़ों को बता दिया, अपन को इतना नहीं करना। देखो, अब ये क्या बोलता है, सीएस सर्विस क्या क्या दे सकता है, अब देखना मेरी बात। पहला पहला हेडलाइन क्या है, कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्विस दे सकता है। दूसरा क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कॉरपोरेट लॉ एडवाइसरी जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो था थोड़ा कॉन्सेप्ट। इसके बाद का क्या है, इसके बाद का एकदम फालतू है। आर्बिट्रेशन कंसलेशन सर्विस कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट सर्विस कर सकता है, फाइनेंस अकाउंटिंग सर्विस कर सकता है, टैक्सेशन सर्विस कर सकता है, ट्रेड एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज सर्विस कर सकता है, और मैनेजमेंट सर्विस कर सकता है। इनसाइड पॉइंट्स आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, मतलब इसके अंदर के, अभी मैं दिखाऊंगा, एक एक में 10 10 सब सेक्शन दे रखे, और वो सेक्शन नहीं है, एक एक
पॉइंट निकाल रखा है एक एक कंपनी का, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो खाना भी खा सकता है, वो सो भी सकता है, मतलब फालतू बातें कर रखी है, उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप खोल के देख लेना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो बताना, और बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, वरना मैं पक्का कराता। ठीक है, देखो पहली बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस बोले तो इसका मतलब होता है एक कंपनी के अंदर गवर्नेंस करना, एक कंपनी की गवर्नेंस, एक कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी रखना, एक कंपनी के अंदर सारी चीजें अप टू डेट रखना, उसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज। अब इसके अंदर इसके क्या क्या रोल होते हैं, वही रोल है, अगर कंपनी फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें उसकी मदद करना, कंपनी के नाम पर रिटर्न हो रहे भरना, चीज़ें भरते हैं ना अपन कंपनी के नाम पे, इतना प्रॉफिट हुआ, रिटर्न्स फाइल करना, ठीक है, उसका रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना सीएस का काम होता है, बोर्ड मीटिंग्स को अरेंज करना, जनरल मीटिंग्स को अरेंज करना, ये काम होता है, और लास्ट काम क्या है कि शेयर के रिलेटेड काम होता है, वही चीज़ें जो अपन ने राइट्स ड्यूटीज़ में पढ़ी थी, कोई अलग नहीं है, उसको ही घुमा फिरा के ये लोग ऐसे ही चेपे जा रहे हैं। दूसरा क्या है, सेक्रेटरी ऑडिट। देखो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्यों आ सकता है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑडिट पहली बात कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो इसमें तीन चार ही सेक्शन आ रहे हैं, एक अपना व्हाट इज कंपनी सेक्रेटरी में सेक्शन आया, एक अपना ये की मैनेजियल पर्सनल पे सेक्शन आया, और बाकी फिर अपना अब यहाँ पर सेक्शन आ रहा है सेक्रेटरियल ऑडिट पे, 204 में। ऑडिट का मतलब पता है ना, एक कंपनी के अंदर सारी चीजें सही चल रही है, कोई घपलेबाजी नहीं हो रही, फाइनेंशियल अकाउंट्स सही मेंटेन है, उसको क्या बोलते हैं ऑडिट। तो ये क्या बोलता है, एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी बोले तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है उसको अपन बोलते हैं लिस्टेड, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है उसको अपन बोलते हैं एवरी लिस्टेड कंपनी। तो सारी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिनका 50 करोड़ के ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल मैंने कंपनी लॉ में बताया था, जिस 50 करोड़ के ऊपर के शेयर हो, ठीक है, या फिर उसकी इनकम, या फिर उसका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर हो, या तो उसका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर हो, एक मिनट, ये 250 वाला वर्ड मैं चेक कर लूँ, 250 पे मेरे को डाउट हुआ, एक सेकेंड, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सेक्रेटरी एन ऑडिट ऑफ टू टर्नओवर ऑफ 200, हाँ एकदम सही है। देखो पब्लिक कंपनी जिसका 50 करोड़ के ऊपर शेयर कैपिटल हो, या फिर 250 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो, और एवरी कंपनी जिसके जिसने लोन 100 करोड़ से ज़्यादा बैंक से ले सकते, उन सबको ऑडिट रिपोर्ट अपनी अपनी जो बोर्ड्स की रिपोर्ट होती है उनके साथ अटैच करना जरूरी है। देखो फिर समझो, सेक्रेटरियल ऑडिट अपना सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। ये क्या बोलता है, सारी लिस्टेड कंपनी, पहली बात सारी लिस्टेड कंपनी, दूसरी बात सारी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है और उसका टर्नओवर, और या तो ये है या तो ये है, और दोनों है तो कोई अच्छी बात है, 250 करोड़ के ऊपर हो, या फिर वो कंपनी जिन्होंने बैंक से 100 करोड़ से ज्यादा का लोन ले रखा है, उनको जो उनकी डायरेक्टर्स की बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है, डायरेक्टर्स एक अपनी बोर्ड, डायरेक्टर्स अपनी कंपनी की रिपोर्ट टाइम टू टाइम सबमिट करते हैं, उसके साथ उनको ये ऑडिट रिपोर्ट भी इन कंपनीज की लगानी होती है, इनके लिए ऑडिट कंपलसरी होती है। दीज कंपनी शैल इनैक्स अ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विद इट्स रिपोर्ट बोर्ड अंडर दिस सेक्शन। ये वाला इतना सेक्शन ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अब वो जब ऑडिट करने आएगा ना तो एक कंपनी की ड्यूटी होती है उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी फालतू पॉइंट है, ठीक है, खाने को देना, सारी चीज़ें देना, ठीक है। और कॉन्ट्रोवेंशन, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्ट्रोवेंशन क्या होता है, अगर ये वर्ड आ गया तो एग्जाम में पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि कॉन्ट्रोवेंशन क्या होता है। कॉन्ट्रोवेंशन कुछ नहीं होता, अगर कंपनी ने या जो उनका सीएस है या फिर किसी ऑफिसर ने रिपोर्ट में कुछ गलत सबमिट करा या फिर कुछ बदमाशी करी इन प्रोविजंस के साथ, कुछ रुपए कम ज्यादा करे, पब्लिक कंपनी 50 करोड़ में आती है फिर भी इन्होंने फाइल ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई, तो उन सब के अंदर क्या होगा, 1 लाख पेनल्टी, या 1 लाख तो मिनिमम पेनल्टी लगेगी और 5 लाख तक पेनल्टी एक्सटेंड हो सकती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रोवेंशन। एवरी ऑफिसर, देखो कंपनी इसका मतलब है कंपनी, या फिर एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी सीए और सीएस इन प्रैक्टिस हु इज इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बोले तो जिसकी गलती है, शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन नॉट लेस देन 1 लाख एंड विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, ठीक है। तो कॉन्ट्रोवेंशन अपन ने कर लिया। अब देखो दोबारा वो बात आ गई, क्या कर सकता है सीएस, वो लीगल मैटर्स में एडवाइस दे सकता है, लीगल मैटर्स में
इन इन मैटर्स पे वो एडवाइस दे सकता है, लॉयर की जैसे एडवाइस दे सकता है, सेबी, आईबीसी, इन सारे मैटर्स पे सीएस लीगल एडवाइस दे सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है अपने क्लाइंट को बहुत सारे फोरम्स पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, इतना नहीं कर सकते और करने का भी कोई मतलब नहीं है, पक्का बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, आर्बिट्रेशन और कंसाइलिंग सर्विस। आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखो, आर्बिट्रेटर होता है जो कोर्ट की जैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। एक अपना कोई अगर अपन ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा और उससे लड़ाई हो गई तो अपन कहाँ जाते हैं? अपन कोर्ट में जाते हैं। पर कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाल देती है कि अगर अपनी लड़ाई होगी ना, अपन कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपन एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आर्बिट्रेटर कौन होता है? सीएस हो सकता है। आर्बिट्रेटर बोले तो जो छोटे मोटे डिस्प्यूट को हैंडल करता है। मर्डर आर्बिट्रेटर हैंडल नहीं कर सकता। छोटे मोटे कंपनी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको आर्बिट्रेटर वो कर सकता है, क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर सीएस हो सकता है। फिर फाइनेंशियल मार्केट सर्विस दे सकता है, अकाउंटिंग सर्विस दे सकता है, टैक्सेशन सर्विस दे सकता है, कंपनी को मैनेज करने की सर्विस दे सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अपनी लीगल एडवाइस दे सकता है उनके इंडिया के अंदर लागू होने में। मतलब फालतू की बातें दे रखी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक और देखो, इसका इसका टिप सुनो, जो इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, तुम्हें लगा कि वो इस चैप्टर के रिलेटेड है तो उसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देना। अगर सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो तुमने कभी सुने नहीं, सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो तुमने कभी सुने ही नहीं, तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन में ऑल ऑफ अबव को प्रेफरेंस देना, ऑल ऑफ अबव को प्रेफरेंस देना। अब देखो मेरी बात, अब देखना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, अगर खुद बताना, ये चीजें क्या याद करने की होती है? ये चीजें सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दे रखी है। कॉर्पोरेट लॉ एडवाइसरी एंड रिप्रेजेंटेशन, कहाँ का रिप्रेजेंट कर सकता है? सेबी में कर सकता है। अब ये देखो, ये इतनी बड़ी लिस्ट, इन सारी मैटर्स पे वो लीगल एडवाइस दे सकता है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी बोले तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलो, ऊपर ऊपर की हेडिंग फाइनेंशियल मार्केट सर्विस दे सकता है, इसके अंदर का इतना कचरा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टैक्सेशन सर्विस दे सकता, सॉरी, टैक्सेशन सर्विस दे सकता है, इसके अंदर का कचरा बिल्कुल नहीं करना, और ये अपना चैप्टर खत्म, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। देखो इसके एमसीक्यूज करते हैं अपन। द विजन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, विजन क्या था? ग्लोबल लीडर बनना। ठीक है, व्हाट इज द मिशन? देखो विजन मिशन के क्वेश्चन तो आ सकते हैं, मिशन क्या था? हाई, देखो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? ये जो अपना इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी है, ये कब बना था? 1980 में प्रोफेशनल बॉडी बनी थी। ये अपन ने देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस क्या होते हैं आईसीएसआई? आईसीएसआई के फंक्शन क्या होते हैं? एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, ट्रेनिंग भी आईसीएसआई कंडक्ट कराता है सीएस की, और फिर इलेक्शंस भी आईसीएसआई कंडक्ट कराता है, जो इनकी बॉडी होती है इसके अंदर। तो मैंने क्या बोला, ऑल ऑफ द अबव को इसमें प्रेफरेंस देनी है, ऑल ऑफ द अबव को प्रेफरेंस दे दी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कैन अपियर एज रिप्रेजेंट, कहाँ कहाँ कर सकता है? अब देखो, अपन ने कुछ भी नहीं सुना, ऑल ऑफ द अबव को प्रेफरेंस दे दो, इन सब जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 25, 30, 40 जगह है जहां पर वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ठीक है, अपन ने ये चैप्टर कर लिया, कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना, और भरोसा करना इसमें, इनमें से नहीं आएगा जो आगे वाले। डू सब्सक्राइब, ठीक है।